हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कब पता लगा सकती हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं, साथ में आप कब कंसीव कर सकती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हर महिला चाहती है उसको प्रेगनेंसी का सुख नसीब हो, जिसके लिए वो बहुत कोशिश करती है लेकिन कंसीव नहीं कर पाती, आज की वीडियो ऐसी ही महिलाओं के लिए खास है। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप कंसीव कब कर सकती हैं। ओव्यूलेशन पीरियड आपके कंसीव करने का सबसे अच्छा समय होता है, जो आपके महीने के बीच में होता है, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होता है, जो कि 28 दिनों की नॉर्मल मंथली साइकिल में से 12 से 16 दिन के बीच के समय में शुरू होता है। ये 3 से 4 दिन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज डेज माने जाते हैं। अगर इस टाइम आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब महिलाएं ओव्यूलेट कर रही होती हैं तो उस समय ओवरीज में से एक अंडा बड़ा होकर बाहर निकलता है, जो कि 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। वो अंडा ओवरीज से बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। इसके बाद वो वहाँ स्पर्म का वेट करता है। फिर जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है तो उन दोनों का वहाँ मिलन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे भ्रूण बनता है और वो भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से बच्चेदानी में जाकर जुड़ जाता है। वो जहाँ जाकर जोड़ता है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है। भ्रूण के यूट्रस में इम्प्लांट करने की प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमने ये जाना कि हमें कंसीव कब करना चाहिए और यूट्रस में बच्चा कंसीव कैसे होता है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कंसीव करने के लिए बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है। तो इसका जवाब है कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होता है, उस समय ही आपकी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, जिससे उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस समय जब अंडा बाहर आता है तो बच्चेदानी के निचले हिस्से में कुछ चेंजेस होते हैं। बच्चेदानी के निचले हिस्से, जिसको कि हम सर्विक्स भी बोलते हैं, सर्विक्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो उस समय प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। इन सभी में पहला चेंज उसके डिस्चार्ज में होता है, जिसकी वजह से वो स्पर्म की एंट्री के लिए ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिसे सर्विक्स डिस्चार्ज भी कहते हैं। महिलाओं को हर महीने ही उनके प्राइवेट पार्ट से कम या ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, जो पूरा आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता लगाना है कि कब आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं, साथ ही आपकी बच्चेदानी का मुँह खुला है, उसके लिए महिलाओं को अपने सर्विक्स डिस्चार्ज को पूरे महीने मॉनिटर करना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि किस समय आपको कैसा डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे पीरियड खत्म होने के बाद के शुरुआती 7 से 10 दिन में आपको गाढ़ा या फिर कम डिस्चार्ज होता है। उसके बाद 12 से 16 दिन के बीच आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके बाद आपको ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, जो काफ़ी पानी पानी सा होता है, क्योंकि 12 से 16 दिनों के बीच आप ओव्यूलेट करती हैं, जिसमें आपके ओवरी से अंडा निकलकर बाहर आ जाता है। ये समय रिलेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसके बाद फिर से सर्विक्स डिस्चार्ज कम हो जाता है। दूसरा चेंज महिलाओं की सर्विक्स की पोजीशन में होता है। अगर आपकी सर्विक्स की पोजीशन नीचे है तो आप उस टाइम इजीली कंसीव कर सकती हैं। ये चीज़ आप घर पर फिंगर टेस्ट से ट्राई कर सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास जाकर पहले उनसे कंसल्ट कर लें, क्योंकि जहाँ एक तरफ सर्विक्स डिस्चार्ज आप घर पर आराम से ही पता लगा सकती हैं, सर्विक्स की पोजीशन को पता लगाने के लिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, नहीं तो आप खुद अपने आप को हर्ट भी कर सकती हैं। तीसरा चेंज होता है कि उस समय आपकी सर्विक्स की स्किन सॉफ्ट हो जाती है, उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है। इसको होने का कारण होता है कि जब आप ओव्यूलेट करती हैं तो उस समय नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप घर पर ही खुद से फिंगर टेस्ट ना करें, क्योंकि आप इतनी प्रोफेशनल नहीं होती, आप अपने सर्विक्स को इंजर्ड कर सकती हैं, इसलिए आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि हमें आप सबकी हेल्थ की चिंता है। हम आपको और आपके पारिवारिक जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी और आप माँ बन सकेंगी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।
अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुलकर जिएं, घर में रहकर स्वस्थ रहें। घर से बाहर जरूरी काम होने पर ही जाएं, कोरोना से बचें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।